कोई भी काम करने के पहले ना उसके बारे में बेसिक और फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, आइदर वो ड्राइंग हो, सिंगिंग हो या फिर आपका स्पोर्ट्स हो। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइंग के बारे में और मैं हूँ अभिषेक, स्केचबुक भाई अभिषेक से। तो ड्राइंग के बारे में बात करते हैं कि ड्राइंग हर कोई करना चाहता है लेकिन परफेक्शन हर कोई नहीं लेके आ पाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स और फंडामेंटल जो है ना क्लियर नहीं होते। तो हमेशा जो कि मैं बातें करता हूँ बेसिक्स की, इसलिए बातें करता हूँ कि कोई भी गाना गाने के पहले ना सरगम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। इसके लिए ड्राइंग में बेसिक्स मतलब कि बेसिक वार्म अप्स होते हैं, बेसिक शेप्स होते हैं, स्टिल लाइफ होते हैं, टेक्सचरिंग होती है, लाइटिंग होती है, ये सब जानने के बाद ही आप एक अच्छी ड्राइंग कर पाते हो। तो इसके बारे में कौन बात करेगा? मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा और इसके साथ साथ एक चैलेंज भी है आप लोगों के लिए। चैलेंज ये है कि 30 डेज एक ड्राइंग चैलेंज है जिसमें डे 1 से लेके डे 30 तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आपको ये सब जितने भी वीडियोस हैं वो सब देखने हैं, वो सारे ट्यूटोरियल देखने हैं। आपको हर एक दिन आपको एक नई ड्राइंग स्किल बताया जाएगा, आपकी ड्राइंग एवरी डे इंप्रूव होगी। बेसिक्स इतने जरूरी क्यों है पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि पेंसिल है मेरे पास, पेपर है, कैसे ड्रॉ करना है, पहले दिन ड्रॉइंग में जाके क्या करना है। तो ये सब चीजों का सॉल्यूशन मेरे पास है और यहाँ पे मैं लेके आया 30 डेज ड्राइंग चैलेंज। तो वैसे तो ये ड्राइंग जितने भी रहेंगे, ट्यूटोरियल जितने भी है ना, वो सब आपको फ्री में मिल जाएंगे यूट्यूब पे आज से लेके 30 डेज तक। इसके अलावा अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, रियल टाइम वीडियोज चाहिए, जितने भी इसमें ट्यूटोरियल आने वाले हैं तो वो भी आप ले सकते हो। इसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा, आप जाके वहां से सीख सकते हो जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देर किस बात के, चलते हैं क्योंकि आज है पहला दिन और पहला दिन हम लोग मिस नहीं कर सकते, और पहला दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वर्क प्लेस पे। पेपर हमें चाहिए प्रिंटर पेपर और पेंसिल, आर्ट लाइन की पेंसिल आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पेंसिल पकड़ने की टेक्निक, 2 फिंगर आपको रखना है उतने डिस्टेंस पे, और यहाँ पे देख रहे हो ना कि कुछ बेसिक शेप आपको ड्रॉ करना है। बेसिक शेप से एक लाइन हो गया, एक कर्व लाइन हो गया, तो ये दोनों की हेल्प से ही हमें बेसिक शेप ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये सब जो है ना ये 2 चीजों पे ही ड्रॉ होती है, एक लाइन और एक कर्व लाइन। तो यहाँ पे एक सर्कल भी देख रहे हो, ये भी एक बेसिक शेप है, ओवल शेप है, और इसके अलावा उसके अलग तरीके के डायमेंशन भी शेप हैं। बेसिक शेप्स ड्रॉ कर लेने के बाद ना अब हमें फुल लेंथ ड्रॉ करना है लाइंस। लाइंस के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, आप स्लैंट लाइन भी बना सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है और कई सारे लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा सिंगल सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करना है। तो इससे ना आपकी प्रैक्टिस होगी, और यहाँ पे मैंने 2-3 बार किया ना, आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जितने भी आप कर्व लाइंस देख रहे हो ना, इसको भी आपको इसके ऊपर भी आपको कई सारे लाइंस ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे मैंने ना एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे जिगजैग ड्रॉ किया, इसको भी आपको इसके ऊपर ओवरराइट करना है। जैसे देख रहे हो ना डायमेंशन चेंज किया मैंने, वर्टिकली भी आपको ड्रॉ करना है जिगजैग जो है, और इसके अलावा कर्व लाइन भी ड्रॉ करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके आने वाले जितने भी ड्रॉइंग्स है ना, सब कुछ इस पे ही डिपेंड करता है। तो आपको लाइन में भी मैंने आपको बताया फुल लेंथ ड्रॉ करना है, और यहाँ पे सर्कल हो गया, ओवल हो गया, जितने भी ओवल के डायमेंशन हो गए, यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ पे आपको खुद से भी कई सारे डायमेंशन में ओवल शेप को ड्रॉ करना है हर एक एंगल से, और आपको क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। यहाँ पे ट्रायंगल को भी हम लोगों ने कई बार ड्रॉ किया, तो ऐसे जितने भी 100 टाइम्स ड्रॉ करना है ना, और ये 100 टाइम्स के जो शेप होता है ना, कई बार आपको ड्रॉ करना है, जब तक परफेक्शन ना आ जाए तब तक आपको नेक्स्ट लेसन में मूव नहीं करना, जो कि कल आने वाला है। तो ये जितने भी शेप्स की प्रैक्टिस की हम लोगों ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको वार्म अप कहते हैं। और कल के दिन हम लोग मिलने वाले हैं अलग तरीके के शेप ड्रॉ करने वाले, आखिर इन बेसिक शेप से और ज्यादा हम लोग क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं कल एक और लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाई अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।